सुबह का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश नहीं आ रही है पर इतना अच्छा मौसम है कि मन ही रुका ही नहीं जा रहा था अच्छे से मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो मैं यहाँ पे आ गई। और पता है कुछ टाइम की बात है, कुछ सालों पुरानी बात है, आज की बात नहीं बता रही हूँ, कुछ सालों पुरानी बात बता रही हूँ। एक बार मैं अपने पापा जी के साथ ना एक गधा लेके चली थी। हाँ सच में चली थी, मजाक नहीं कर रही हूँ। तो गधा लेके हम चले थे, एक्चुअली हम उस टाइम गांव में रहते थे ना, तो गधा लेके चले थे। तो गांव से हमें जाना था शहर में, तो हुआ क्या कि मैं जा रही थी, इधर पापा जी जा रहे थे और इधर वो गधा था। हम तीनों ना पैदल पैदल चल रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, एक अंकल मिले, वो मेरे पापा जी को बोले, मैं छोटी थी उस टाइम, काफ़ी छोटी थी, मेरे पापा जी को उस टाइम बोले कि ना आप गधे के ऊपर क्यों नहीं बैठ जाते, देखना कोई एक जना गधे के ऊपर बैठ जाओ, दुखी होने लग रहे हो, सबके सब पैदल चल रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, गधा तो पालते ही बोझ ढोने के लिए है ना। तो इस बात पे मेरे पापा जी बोलते, नहीं अंकल तो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, हमने गधा इसलिए थोड़ी पाला है कि वो बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही चलता रहेगा। चलो फिर मेरे को बोलते पापा जी, एक काम कर तू बैठ जा गधे पे और मैं पैदल पैदल चलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी, मैंने उनकी बात मान ली जैसे मैं हमेशा मान लेती हूँ। तो हुआ क्या, उसके बाद थोड़ी देर हम आगे बढ़े तो उसके बाद ना एक आंटी मिली रास्ते में। वो आंटी बोली मेरे पापा जी की तरफ देख के, बोलती कैसा कलयुग जमाना आ गया है, बेटी तो मज़े से गधे पे बैठ के आराम से जा रही है और बाप इतनी उम्र में, इतनी बुढ़ापे की उम्र में वो पैदल पैदल चल रहा है। तो सच में मेरे को भी तरस आ गया, मैं बोलती पापा जी को, नहीं पापा जी ये तो सही नहीं है, आप एक काम करो आप गधे पे बैठ जाओ और मैं उतर जाती हूँ गधे से, और मैं तो पैदल पैदल चल सकती हूँ और मैं काफ़ी देर मैंने आराम भी कर लिया है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात पे पापा जी राजी हो गए, बोलते हाँ ठीक है तुम ठीक कह रही हो, ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर थोड़ी दूर आगे चलने पे ना हम थोड़ा रास्ता पूछना था हमें किसी से, तो दो अंकल बैठे हुए थे, तो उनसे ना मेरे पापा जी वहाँ गए और पूछते कि ना वहाँ का उधर का रास्ता कहाँ से पड़ता है, मतलब समझ नहीं आ रहा था, आप समझ सकते हो ना ऐसा हो जाता है कई बार। तो वो दो अंकल ने ना हमें रास्ता तो बता दिया कि किस साइड है बाजार मार्केट का एरिया किस साइड से है, पर उसके साथ ही हमें ऐसे बोलते कि कैसा मूर्ख बाप है, अपनी बेटी को नहीं देख रहा है कि पैदल पैदल चल रही है और ना खुद आराम से बड़े मज़े से गधे पे बैठा हुआ है। तो मेरे पापा जी बोलते बात तो ये सही कह रहे हैं, देख एक काम करनी थी तू भी साथ में ही बैठ जा गधे पे, हम दोनों बैठ सकते हैं गधे पे, हम बैठ के चलते हैं। तो हम दोनों चलने लग गए, गधे पे बैठ गए, मैं भी बैठ गई, आगे बैठ गई, पापा जी पीछे बैठ गए उस गधे पे और हम लोग चल रहे थे। तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद ना एक और हमें आंटी मिली, वो बोलती कि कैसा कलयुग समय आ गया है कि बाप बेटी दोनों उस गधे पे बैठ के मज़े से बैठे हैं और उस बेचारे गधे को नहीं देख रहे हैं जो कि इतना परेशान होके उस पशु पे तरस नहीं खा रहे हैं, इससे इनको तो कुछ अक्ल ही नहीं है, उनको तो सोचना चाहिए कि कितनी टाइम से उस गधे पे बैठे हुए हैं, बल्कि इस गधे को अपने कंधों पे ढो के चलना चाहिए। तो मेरे पापा जी बोलते बात तो सही कह रहे हैं, अब गधे को भी तो आराम मिलना चाहिए, हम दोनों तो कितनी देर से इस गधे पे बैठ के उसको तंग कर रहे हैं, चलो बेटा एक काम करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं और इसके पांव बांध के ना इस गधे को हम अपने कंधों पे ढोते हुए चल पड़ते हैं। तो पापा जी की बात मैंने भी मान ली, मैंने कहा ठीक है पापा जी सही बोल रहे होंगे और लोग तो सही बोलते हैं। तो मेरे पापा जी बोलते देख लोग थोड़ी गलत बोलेंगे, लोग तो सही एडवाइस कर रहे हैं, तो अगर गधा परेशान हो रहा है तो हमें अपने कंधों पर उसको ढोना चाहिए। मैंने भी कहा ठीक है चलो पापा जी आप बात कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे, ऑब्वियसली पापा हो मेरे। तो हुआ क्या उसके बाद हम लोग ना एक नदी आती है, उस नदी पे क्या है एक वो लकड़ी का नहीं होता जो पुल सा बन रखा होता है, हम उस पे जाते हैं और गधे को हमने जैसे यहाँ कंधों पे नहीं होता लगा रखा है, आगे पापा जी चल रहे हैं पीछे मैं चल रही हूँ, तो दर्द तो हो रहा था, कंधे दुख तो रहे थे मेरे भी, पर हुआ क्या वो जो लकड़ी का जो पुल था ना वो ना उसकी लकड़ियाँ बीच में से निकल के गिर गई और सीधा पापा जी भी नीचे पानी में गिरे, मैं भी नीचे पानी में गिरी और वो गधा भी नीचे पानी में डूब गया। तो हमें तैरना आता था तो हम बच गए, गधा भी बच गया। तो हम बाहर निकले ना, तब मैंने पापा जी से कहा पापा जी ऐसे कैसे हो गया, ये तो हम तो बहुत सही चल रहे थे जैसा लोगों ने कहा, हम तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे, हम तो गधे को अपने कंधों पे लेके घूम रहे थे, तो हम कैसे डूब गए।
तो उस टाइम में पापा जी ने मेरे को बोला कि बेटा हम गलती यही कर रहे थे, अब समझ में आया हम हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उस संतुष्ट करने के चक्कर में हम सब बेटा डूब गए। क्यों? क्योंकि हम हर किसी को बेटा संतुष्ट नहीं कर सकते, हम हर किसी को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। और जब हम ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अपने जीवन को चलाने लगते हैं तो कुछ और लोग खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे, फिर उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो चार लोग और आके खड़े हो जाते हैं दाएं साइड कि आप क्या कह रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को सिर्फ लोगों को खुश करने में लगाना चाह रहे हो कि आप इसको भी खुश रखोगे, उसको भी खुश रखोगे, इसका भी दिल रखना है, उसका भी रखना है, तो आप खुद अपनी ज़िंदगी को कभी भी खुशियाँ नहीं दे सकते, आगे नहीं बढ़ पाओगे और कभी भी खुद खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि जो इंसान हर किसी की खुशी को खुश रखने की कोशिश करता है ना, वो इंसान ही हम अपनी खुशियाँ भूल जाता है, वो अपनी खुशियाँ भूल जाता है। तो कहते हैं ना जैसे कि एक पेंसिल होती है, देखो एक तरीका होता है आगे बढ़ने का। कुछ इंसान ऐसे मिलते हैं ज़िंदगी में जो कि क्या करते हैं, अपनी पेंसिल को आगे बढ़ाने की या लकीर को लंबा खींचने की कोशिश नहीं करते हैं, वो साथ वाली जो दूसरे की पेंसिल है ना उसको रबड़ से मिटोने की आस में बैठे रहते हैं, ये सोच के कि उनकी पेंसिल को रबड़ से मिटोने के बाद ना उनकी पेंसिल ना लोगों को लंबी दिखने लग जाएगी या हमारी पेंसिल की लकीर लंबी हो जाएगी। तो उनको तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आपको ना अपनी पेंसिल ना लंबी करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे की पेंसिल को रबड़ से मिटोने में, क्योंकि इससे आपकी पेंसिल लंबी भी लंबी नहीं होगी। जो रेखा आपने खींच रखी है ना वो तभी लंबी होगी जब आप उस पर काम करोगे, जब आप अपनी पेंसिल को लंबा करोगे ना तभी आपकी पेंसिल की रेखा लंबी होगी। किसी और की मिटोने से आप कभी बड़े नहीं हो सकते हो या आगे नहीं बढ़ सकते हो। किसी को दबा के या किसी को गिरा के कोई इंसान आगे नहीं बढ़े आज तक। इंसान आगे बढ़ता है अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, अपने जुनून से आगे बढ़ता है। तो किसी को देख के कि हाँ किसी और को आपको झुकाना है, दबाना है, होता है ऐसा, सच्चाई बता रही हूँ, ऑफिसेज में होता है, घरों में होता है, परिवारों में होता है, हर जगह होता है। एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक कुएं का मेंढक होता है ना जहाँ पे इतने सारे मेंढक होते हैं, एक मेंढक आप कभी देखना कुएं से कभी मेंढक बाहर ही नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? एक मेंढक आगे निकलने की कोशिश करता है ना तो 10 मेंढक उसकी टांग खींच के उसे फिर से उस कुएं के अंदर ही धकेल देते हैं, ऐसा होता है। तो यही चीज़ लाइफ में भी होती है, आपकी टांग बहुत लोग खींचेंगे, आपको बहुत लोग उस कुएं के अंदर दोबारा धकेलेंगे, पर आपको देखना है वो कि आपको क्या करना है, आपको कुएं का मेंढक बनना है या कुएं से बाहर तालाब भी देखने हैं, दुनिया देखनी है। तो अगर आपको आगे निकलना है तो अपनी दिल की भी सुननी पड़ेगी। आपको हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपको अपनी खुशियाँ देखनी है, आपको खुद को खुश रखना होगा। और हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं किसी गधे के साथ और पापा जी के साथ कहीं मार्केट गई थी। ये सिर्फ एक स्टोरी थी जो मैंने बहुत सालों पहले मेरे भाई ने मुझे सुनाई थी, जब मैं एक दिन बहुत दुखी थी, मैं रो रही थी, बहुत पहले की बात है, शायद मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उस दिन मेरे बड़े भाई ने मेरे को ये कहानी आके बैठ के सुनाई थी, कहा था निधि तेरे को मैं कहानी सुनाता हूँ, और वो कहानी मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई थी ना ये वाली कहानी। तो जब भी मेरे को कोई इंसान दुखी दिखता है ना और लगता है कि हाँ वो लोगों के ओपिनियन की वजह से अपने आप को परेशान कर रहा है, मतलब एक होता नहीं फिट होने की कोशिश कर रहा है उस चीज़ में, तो मैं उसको स्टोरी ज़रूर सुनाती हूँ। और मैं आज आपके सामने भी इसीलिए लेकर आई हूँ ये कहानी, जो कि मेरे दिल पे बहुत क्लोज है और मुझे बहुत पसंद है। और ये मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, यहाँ पे मैं घूम रही हूँ और दिल को सुकून मिल रहा है। देखिए दूसरा फ़ोन भी हाथ में लेके घूम रही हूँ। तो चलिए मैं अब थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, मॉर्निंग वॉक, उसके बाद मैंने वीडियो बना रखी है अपनी ब्राइडल की नहीं है वो, नॉर्मल वो नहीं होती मेकअप ट्यूटोरियल है जो मैंने बनाया था, जो कि बस थोड़ा सा वो चीज़ें हैवी लगी होंगी, पता नहीं क्या था, पर चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, लाइफ है। बाकी ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ और मुझे पता है कि आप सब भी मेरी फैमिली हो। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।